सोलन के बड़ोग में स्थित रॉस रॉबिन्स फार्मा कंपनी में कामगारों और कंपनी में बकाया वेतन को लेकर चल रहा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। कंपनी में कार्यरत कामगारों ने हड़ताल कर दी और तब तक काम पर न लौटने की चेतावनी दी जब तक कि उनका बकाया वेतन नहीं दिया जाता। कंपनी प्रबंधन के एमडी ने प्रेस वार्ता कर कामगारों की इस हड़ताल को गैर कानूनी करार दिया और कहा कि उन्होंने बिना किसी नोटिस के हड़ताल आरंभ की है, जिसकी वजह से कंपनी को लाखों का नुकसान हुआ है। सोलन के बड़ोग में स्थित रॉस रॉबिन्स फार्मा कंपनी में कामगारों और कंपनी में बकाया वेतन को लेकर चल रहा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक दिन पहले कंपनी में कार्यरत कामगारों ने हड़ताल कर दी और तब तक काम पर न लौटने की चेतावनी दी जब तक कि उनका बकाया वेतन नहीं दिया जाता। आज कंपनी प्रबंधन के एमडी ने प्रेस वार्ता कर कामगारों की इस हड़ताल को गैर कानूनी करार दिया और कहा कि उन्होंने बिना किसी नोटिस के हड़ताल आरंभ की है, जिसकी वजह से कंपनी को लाखों का नुकसान हुआ है। कंपनी के एमडी विकास भट्टाचार्य ने बताया कि जब से नोटबंदी हुई है तब से उनकी कंपनी जो कभी 24 करोड़ का व्यापार करती थी वह करीबन कुछ ही वर्षों में 3 करोड़ रुपए के व्यापार पर आ चुकी है, जिसकी वजह से आज उनका यूनिट काफी घाटे में चल रहा है। लेकिन वे यहां से भागने वाले नहीं हैं और जल्द ही कामगारों को उनका बकाया दे दिया जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि जो आरोप उन पर लगाए गए हैं वे बिल्कुल निराधार हैं और उनकी कंपनी में कार्य कर रही महिलाओं को कर्मचारी नेता द्वारा बहकाया गया है, जिस पर वे जल्द कानूनी कार्रवाई अमल में लाएंगे। सिंपल सा पॉइंट ये है, दो प्रॉब्लम के दो एस्पेक्ट्स हैं। पहले तो जो मेरे पे एलिगेशन लगाया गया कि मैंने 6 महीने से सैलरी नहीं दी है, वो एब्सोल्युटली रॉन्ग है। उसके मैंने आपको सबूत दे दिए दैट वी हैव पेड सैलरीज यू नो मंथ आफ्टर मंथ इन लास्ट 6 मंथ एक्सेप्ट फॉर द मंथ ऑफ फेब। दूसरी बात यह प्रॉब्लम का दूसरा आस्पेक्ट है बकाया के लिए आई एम प्रॉमिसिंग मैक्सिमम बाय द एंड ऑफ जून, ठीक है, इट विल बी क्लियर फॉर ईच एंड एवरी एम्प्लॉय। बाकी जहाँ तक ये है, जो हमारी प्रॉब्लम राइज करी थी वो इसलिए करी थी क्योंकि हमारा GST के बाद हमारा 24 करोड़ का टर्नओवर मात्र 7 करोड़ का रह गया। 7 करोड़ का अभी जो हमने ये फाइनेंशियल ईयर क्लोज करा है वो 3 करोड़ का करा है। सो यू कैन अंडरस्टैंड द काइंड ऑफ लॉसेस वी हैव सफर्ड, क्योंकि जो हमारी की पार्टीज थी या तो वो अपने स्टेट में चलेगी, जैसे हमारी नंबर वन पार्टी वापस गुवाहाटी चलेगी और दो पार्टीज ने अपने प्लांट्स लगा लिए। जो मेरे यहाँ स्ट्राइक करी गई है दैट इज़ टोटली इलीगल। माई वर्कर्स आर सिटिंग ऑन स्ट्राइक। मेरा 12 लाख का माल खराब हो गया, आई हैव सफर्ड लॉसेज एंड दे आर नॉट रेडी टू पुल इट ऑफ। मेरे को बहुत आघात लगा बिकॉज ऑफ मेरी फैमिली को डिस्टर्ब किया गया, इन मासूम औरतों के साथ खिलवाड़ किया गया, उनसे एक रॉन्ग स्टेटमेंट दिलाया गया। वो फैक्ट्स आप खुद वेरीफाई कर सकते हैं कि हमारे को 6 महीने से 1 रुपया नहीं दिया, वो आप वेरीफाई कर सकते हैं। मेरी 15 साल की तपस्या है सर, 200 रुपये से बिजनेस शुरू किया था, मेरे को विरासत में बिजनेस नहीं मिला। भागने वाला होता ना तो 8 करोड़ के नुकसान के बाद भाग गया होता। अभी भी काम कर रहा हूँ और मेरे इन मासूम औरतों को भड़काया गया है। तो ये था आज दिन भर का कार्यक्रम, कल फिर हाजिर होंगे नई गतिविधियों के साथ। आप ऐसे ही जुड़े रहिए एस्ट्रोडे के साथ। नमस्कार।